अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं जो है वो भिंडी बना रही हूँ। इसको मैंने इस तरीके से कट कर लिया है, ये गोल गोल इस तरीके से कट कर लिया है। और मैंने 3 मीडियम साइज़ की जो हैं वो प्याज ली हैं। भिंडी जो है वो आधा किलो से थोड़ी सी ज़्यादा है। मैंने 3 मीडियम साइज़ की प्याज ली हैं, इसको स्लाइसिस करके। अब मैं इसको कच्चा पक्का करूँगी, तो मैंने इसमें 1/2 कप ऑयल ले लिया है। इसमें मैं इसको अभी कच्चा पक्का करूँगी। ये प्याज हमें कंप्लीट इसमें ब्राउन नहीं करनी, जैसे ही प्याज इस स्टेज पर आ जाएगी तो मैं इसमें सबसे पहले जीरा ऐड करूँगी, उसके बाद पीसी मिर्चें, हसबे जायका, हल्दी जो है वो 1/2 टीस्पून, और ज़ीरा भी मैंने तकरीबन 1/2 टीस्पून ही ऐड किया है इसमें। और अब मैं इसमें फ़ौरन, ताकि मिर्चें ना जलें, मैं इसमें टमाटर ऐड कर दूँगी। वैसे तो पहले हम भिंडी ऐड करते हैं, लेकिन जो है वो अभी मैं टमाटर इसलिए ऐड कर रही हूँ क्योंकि भिंडी जो है वो चम्मच जो है टमाटर डालने के बाद थोड़ा चलाना पड़ता है, तो उसमें भिंडी पहले डलती है फिर टमाटर डालते हैं तो उसमें पूरा लेस लेस सा हो जाता है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा जो है अभी टमाटर डाल के तो थोड़ी सी देर ढक कर पकने के लिए छोड़ूंगी, ताकि थोड़े सॉफ्ट हो जाएँ। उसके बाद फिर मैं इसमें भिंडी ऐड करूँगी, और नमक जो है वो हम भिंडी में एंड में ऐड करेंगे। अब मैं इसको ढककर 2-3 मिनट के लिए छोड़ दूँगी, ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। ये टमाटर जो हैं वो इसमें सॉफ्ट हो गए। अब मैं इसमें भिंडी ऐड कर दूँगी। और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी, लेकिन इतनी कोशिश करनी है कि इसमें चम्मच जो है वो ज़्यादा ना चलाया जाए, क्योंकि जितना ज़्यादा चम्मच चलेगा इसमें उतना ही जो है भिंडी का लेस निकलेगा। हल्के हाथों से बिल्कुल जो है चम्मच चलाना है इसमें। इसे मैंने मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें हल्का हल्का जो है वो पानी का छींटा मारूंगी। इसमें ज़्यादा पानी नहीं डलेगा, बस ये थोड़ा सा मैंने पानी का छींटा मारा है, और इसको मैं ढककर गलने के लिए छोड़ दूंगी। और हाँ, ये हरी मिर्चें भी जो है वो मैं इसमें भी इसी टाइम जो है वो ऐड कर दूंगी, ताकि ये भी जो है साथ ही इसके पक जाएँ, उसकी खुशबू भी आ जाए। इसमें हरा धनिया और नमक हम ऐड में डालेंगे, और इसको मैं दम वाली आँच पर जो है वो करने के लिए छोड़ूंगी ढककर। भिंडी जो है वो रेडी हो गई है। मैंने इसको जो है वो बीच बीच में हल्के हाथों से जो है वो ऊपर नीचे किया था, अब ये गल गई है। अब मैं इसमें सॉल्ट ऐड करूँगी और हरा धनिया भी साथ ही ऐड करके इसको मिक्स कर लूँगी। भिंडी जो है वो रेडी हो गई है। चावल और रोटी दोनों के साथ बहुत ज़्यादा मज़े की लगती है, और इसके ऊपर लेमन डाल के खाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम इंशाल्लाह ताला आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।